हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट रेसिपी लेकर आई हूं, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और ओवन में बैगन को रोस्ट करने के लिए कुछ इस तरह से मैंने रोटीसरी में बैगन को अंदर फंसा दिया है, क्योंकि रोटीसरी रॉड में पॉइंट नहीं होता है। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ। सबसे पहले किसी भी स्क्रूवर, जो भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट हो, इससे आपको पीछे होल कर लेना है इसमें। तो ये देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इसमें होल कर लिया है। इसको अच्छे से घुमा देंगे ताकि होल जो है इसका थोड़ा मोटा हो जाए। ये मोटा हो गया है। अब हमें जहाँ पर होल किया है उसे इस रोटीसरी रॉड को, तो अब आप देख सकते हैं मैंने इस रोटीसरी रॉड में दोनों ब्रिंजल को इसमें डाल दिया है। अब हम इसे रोस्ट करेंगे। जैसे चिकन रोस्ट होता है ना, वैसे ही आज हम ब्रिंजल को रोस्ट करने वाले हैं। इसे मैंने सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर पर यानी 230 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेट कर दिया है, और दोनों रॉड को हम यहाँ पर ऑन कर लेंगे। और टाइम यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग हम सेट कर लेंगे, क्योंकि हमें इसे प्री हीट कर रहे हैं, तो अभी हम 10 मिनट का टाइम सेट कर देंगे। और ओवन हमारा प्री हीट हो चुका है, और ये मैंने ब्रिंजल को इसमें फंसाने के बाद इसे मैंने यहाँ पर जो रोटीसरी हैंडल होता है उसकी मदद से मैंने इसे उठा लिया है, क्योंकि हमारा ओवन यहाँ पर गर्म है तो हमें इसे केयरफुली लगा देना है। और इस ओवन के प्रीहीट होने के बाद यहाँ पर रोटीसरी वाले ऑप्शन जो कि नीचे दिया हुआ है, इसे हम सेट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी यहाँ पर रोटीसरी रॉड यहाँ पर रोटेट होने लगी है, और हमारे ब्रिंजल जो है यहाँ पर रोस्ट होने शुरू हो गए हैं। और इसे रोस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर 30 मिनट का टाइम सेट कर देती हूँ। अगर ज़रूरत लगे तो आप टाइम को और भी अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि ब्रिंजल का साइज़ कभी कभी मोटा होता है या फिर छोटा होता है, तो उसी के हिसाब से टाइम कम ज़्यादा लगता है। तो मैं यहाँ पर 30 मिनट का टाइम सेट कर रही हूँ, वो भी हाईएस्ट टेम्परेचर यानी 230 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैं इसे सेट कर लूँगी। इस ब्रिंजल में कीड़े वगैरह ना लगे हों, ये ज़रूरी है इसे, क्योंकि मैं इसे पूरा का पूरा इसे रोस्ट कर रही हूँ, की क्वालिटी को ज़रूर चेक कर लें। और ब्रिंजल यहाँ पर ऑलमोस्ट कुक हो चुका है, बस कुछ ही सेकंड बचे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और इस ब्रिंजल को अब हम चेक करेंगे और इसे बाहर निकाल लेते हैं, और इस रोटीसरी रॉड को अब हम बाहर कर लेंगे। और अब आप देख सकते हैं हमारे ब्रिंजल यहाँ पर अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं बिल्कुल। तो चलिए इसे अब हम चेक करते हैं कि कैसे रोस्ट हुए हैं। और ये देखिए हमारे ब्रिंजल अच्छे से कुक हो चुके हैं, तो इसे इस रॉड से हम बाहर कर लेते हैं। तो इस ब्रिंजल को अब हम छील कर देखते हैं, बिल्कुल आपको रोस्टेड वाला टेस्ट इसमें आता है। तो इसे कट कर लेते हैं, तो इसे अब हम कट कर लेंगे। और ये मैंने इसे कट कर दिया है, अब आप इसका भरता रेडी कर सकते हैं।